Now open your workbook, page number 35. इसके बाद आपने पेज नंबर 35 ओपन करना है वर्कबुक का. क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की थी उसके बारे में है ये एक्सरसाइज. पार्ट 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 5 इज. प्रोडक्ट आपने बताना है 13 और 5 का, मतलब 13 को और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 13 5 जा 65, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 65 है उसको आपने टिक मार्क करना है, तो ये टिक करेंगे आप. 9 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 54. आपने बताना है 9 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 54 बनेगा. 9 6 54, ठीक है. तो जहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 9 6 54 होता है जहाँ पे आप 6 लिखेंगे, ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट थ्री पार्ट है, डैश मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 105. आपने बताना है कि कौन से नंबर को, इनमें से कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 105 बने. 10 को 7 के साथ करें तो 70 बन जाएगा. 15 को 7 के साथ करेंगे, 15 7 105, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक मार्क करेंगे. इसके बाद है पार्ट 4, 8 12 96, जहाँ पे 96 सी ऑप्शन में है इसको आप टिक मार्क करते हैं. इसके बाद है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹15.50, अगर नोटबुक की जो प्राइस है वो आपके पास 50 हो, देन द वैल्यू ऑफ 7 नोटबुक ऑफ सेम काइंड विल बी. अगर आपके पास नोटबुक की प्राइस एक की 50 हो तो 7 नोटबुक की प्राइस क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 50 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या बनेगा आंसर 350. जहाँ पर 350 ये है आप इसको टिक मार्क करेंगे. इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, मतलब नंबर्स को